पिछले कुछ दिनों पहले यूपी बोर्ड में एक लड़की ने टॉप किया है। कक्षा दसवीं में उसने 98.5% अंकों से टॉप किया है, लेकिन उसकी फिजिकल बनावट की वजह से कुछ लोगों ने उसे इंस्टा पे व सोशल मीडिया पे घसीट लिया है। क्या ये चीज सही है कि किसी की फिजिकल बनावट के लिए उसे घसीटा जाए? उस लड़की ने मेकअप की जगह अपनी शिक्षा को ही सजावट में काम लिया है। एजुकेशन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो सभी ला सके। 98.5% अंक सभी व्यक्ति नहीं ला सकते। अपने यूपी स्टेट में उसने अकेले ने इतने टॉप किया है। मैंने सोशल मीडिया में वीडियोस के कमेंट देखे, कमेंट आपको भी दिखाता हूँ, आप भी देखना। कमेंट में समाज ही नहीं, खुद लड़कियां भी शामिल है। सोचो यदि वही कमेंट आपके लिए आए तो आपको कैसा अनुभव होगा? अच्छा लगेगा? एजुकेशन एक वो उपाय है जो आज भी अपने सिस्टम को बदल सकता है। टॉप यूं ही नहीं होता, टॉप आने के लिए इतना पढ़ना पड़ता है कि पता ही नहीं चल पाता कि कब किताबों में दिन निकल जाता है। आजकल सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ये समाज सभी है। आपको भी पता है कि इनमें क्या चलता है आजकल। उससे बढ़िया है कि एजुकेशन के दम पे अपनी पहचान बनाई, अपने माता पिता की पहचान बनाई उसने, अपने स्टेट की पहचान बनाई। इसलिए कमेंट में ज्ञान देने से पहले थोड़ा सा सोच लो। सोचो यदि इसकी जगह आपकी खुद की बहन होती तब क्या होता? यदि आज आप इन लोगों का मनोबल जोड़ते हो तो यही लोग कल को आगे चल के उन पदों पे बैठेंगे जहां से आपका, आपके बच्चों का, आपके इंडिया का भविष्य बनेगा। इसलिए सोच लो, आप ऐसे व्यक्तियों का मनोबल नहीं, इंडिया का भविष्य तोड़ते हो। धन्यवाद।